हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ सुजात एंड यू आर वाचिंग MSI मोटो ब्लॉग्स। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो है विंडशील्ड, जो विंड स्क्रीन है जो डोमिनर के लिए मैं मंगाया था, वो वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। उसको फिटिंग करते हुए मैंने नहीं दिखाया था डोमिनर पे, क्योंकि जो नंबर प्लेट एक्सटेंशन है वो अभी आना बाकी था, इसलिए वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया। तो अभी जो है वो एक्सटेंशन जो है वो आ चुका है, तो मैं आज जो है जल्दी से जल्द उसको मेरी डोमिनर पे जो है उसको मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको दिखाने वाला हूँ भी हूँ कि वो कैसे इंस्टॉल होता है। और जो एक्सटेंशन है वो आपको कार्बन रेस पे मिल जाएगा, और पहले कर लेते हैं उसको अनबॉक्सिंग। तो ये है प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया था कार्बन रेस से। चलिए देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leaving. तो इसके साथ आ जाते हैं टू प्लेट्स, और मैं ये जो है अभी आपको फिटिंग करके बताऊंगा कि कैसा लगता है ये प्लेट्स। तो ये है वो एक्सटेंशंस जो कि मैं अभी नंबर प्लेट को जो है फिट करूंगा, और जो है इसको पहले खोल लेते हैं, इसके बाद एक्सटेंशन को फिट करते हैं, फिर विंडशील्ड लगाती है, फिर जो है ये वापस से फिट कर दूंगा मैं। तो ये एक्सटेंशन हो गया है, अभी जो फिटिंग हो गया है, अभी मैं जो है बाइक पे फिट करूँगा। तो ये रही स्टॉक विंडशील्ड, तो जो है विंडशील्ड हो गई है फिट, जैसा कि आप देख सकते हैं, और गाड़ी की लुक कुछ ऐसी दिख रही है। अभी तो जो है रात हो गई है, इसलिए अंधेरा हो गया है, तो दिखाई नहीं दे रहा है बराबर से। तो फिटिंग के बारे में था ये वीडियो जो कि मैंने लगाया है, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।